फर्ज कर लें आप अल्फा पार्टिकल है और आपके सामने दीवार है, आप भागे भागे जाके दीवार में लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल के बाद दिया गया। और प्लम पुडिंग मॉडल आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हमने देखना है सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, क्योंकि ये वेल एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर जाने से पहले इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो देख लें ज़रा। इसके एक्सपेरिमेंट को आप कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इसके एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल तो कहते ही कहते हैं। अच्छा, गोल्ड फॉयल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इसके अंदर 0.04 सेंटीमीटर की सोने की एक पतरी ली, आप कह लें फॉयल ली, एक वर्क लिया उसने, ठीक है जी। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के ऊपर फेंका जाता है, उसमें से गुजारा जाता है। और अल्फा पार्टिकल कहां से आते हैं? किसी रेडियो एक्टिव मेटल से, ऐसी मेटल से जो श्वाएं खारिज करती है। अच्छा, इसने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसने गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल को रखा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जिंक सल्फाइड रखा हुआ था। क्यों रखा था? क्योंकि जब भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराता है, फ्लैशेस पैदा होते हैं, वो क्या कहते हैं, फ्लैश, ठीक है जी, चमक पैदा होती है। अच्छा, तो ये डियर स्टूडेंट गोल्ड को अगर जूम करके देखें ना, उसके अंदर से एटम, और एक एटम को मजीद जूम करके देखें तो ये उसके एटम, यानी गोल्ड फॉयल एटम्स से बनी हुई है और उसके अंदर ये एक एटम है। इसने क्या ऑब्जर्व किया जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था? इसने ऑब्जर्व किया, जैसे इसने एक्सपेरिमेंट करवाया तो पीछे इतनी ज्यादा चिंगारियां पैदा हुई, बहुत ज्यादा, जैसे कोई बच्चे शुरलियां नहीं चला रहे होते, ठीक है, काफी ज्यादा पीछे क्या पैदा हुई, चिंगारियां पैदा हुई। इसने ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन तीन थी जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसी से हम रिजल्ट निकालेंगे। गौर कीजिएगा, अच्छा साइंटिस्ट वो होता है जो छोटी सी ऑब्जर्वेशन से काफी बड़ा रिजल्ट निकालता है। तो इसने तीन छोटी सी ऑब्जर्वेशन से पूरा एक एटम का बहुत अच्छा मॉडल दिया एज कंपेयर टू प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, देखिएगा प्लीज, इसने तीन ऑब्जर्वेशन देखी। इसने ऑब्जर्वेशन देखी, ज्यादातर रेज एटम में से सीधी गुजर जाती है, जाहिर बात है सीधी क्यों गुजरती है, क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली, और ये रेज कौन सी है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द रेज पास स्ट्रेट। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, कुछ अपने रास्ते से मुड़ जाती है, और कौन सी मुड़ती हैं, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी से टकराती हैं। ये इसको नहीं पता था, मैं साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूं। और बहुत कम ऐसी थी जो टकरा कर क्या करती थी, वापस आ जाती थी, ठीक है जी, टकरा कर क्या करती थी, वापस आ जाती, टकरा कर क्या करती थी, वापस आ जाती, ज्यादातर क्या करती थी, सीधी गुजर जाती थी, सीधी। तो तीन ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, ज्यादातर रे सीधी गुजर जाती हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, कुछ डिफ्लेक्ट, अपने रास्ते से हट जाती हैं, फेयरली एट लार्ज एंगल्स, बड़े बड़े एंगल्स पर, और बहुत कम ऐसी होती हैं, गालिबन आपकी बुक कहती 20,000 में से कोई एक टकरा कर वापस आ जाती। ले जी, इन तीन ऑब्जर्वेशन से इसने बड़े ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स निकाले, और उन रिजल्ट्स में से पहला रिजल्ट ये था कि वॉल्यूम कैसा है एटम का, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि ज्यादातर रे सीधी गुजर जाती हैं बगैर मुड़े, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर एटम का वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी है, खाली है, सीधी गुजर जाती है ना। दूसरी बात, ये जो अपने रास्ते से मुड़ जाती, इसका मतलब ये है ये सेंटर में किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराती है। ऐसा उसको क्यों लगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अगर सेंटर में कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो ये उसके साथ यहां तो टकरा जाते और चिपक जाते, अट्रैक्शन होती है ना। यहां पर तो पता क्या हो रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल आ रहे हैं और सेंटर में जो कोई भी उसको कह रहा चलो इधर चलो इधर, यानी उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा। तो उसने यहां से क्या अंदाजा लगाया कि भाई जो सेंटर है ना वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव, और इसने इसको नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस का।
इसलिए इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके इसके मॉडल की खास बात यह है, उसने कुछ दिया नहीं, दिया न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फर्ज कर लें आप अल्फा पार्टिकल है और आपके सामने दीवार है, आप भागे भागे जाके दीवार में लगते हैं, आप ठप करके नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो दीवार है बड़ी सख्त है, सॉलिड है, माचो स्ट्रांग। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाकर न्यूक्लियस से टकरा कर वापस आ जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल जाते हैं, सॉरी न्यूक्लियस हमारा रेडी है, ओके, अल्फा पार्टिकल जाते हैं टकरा कर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब है न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस डेंस है और हार्ड है। ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बता रही है मैं कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज डेंस एंड हार्ड। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ये सारा आपको कौन बता रहा है? मैं नहीं बता रहा, ये आपको बता रहा है रदरफोर्ड कि न्यूक्लियस डेंस होता है और हार्ड होता है। ये तीन ऑब्जर्वेशन से तीन रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। सीधी गुजर रही है, एटम खाली है, मुड़ रही है, पॉजिटिव चीज करा रही है, लग के वापस आ रही है, इसका मतलब जिससे लगी है वो बड़ा सख्त सी कोई चीज है, ठीक है जी, डेंस एंड हार्ड। अच्छा फिर चौथा पॉइंट आ जाता है बेटा जी साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, एज कंपेयर टू एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस खुद ही बताएं जरा, ज्यादातर रेस क्या कर रही हैं? एटम में से ज्यादातर रेस सीधी गुजर रही है, ये एटम है, ये हमारा एटम, ज्यादातर रेस सीधी गुजर रही है। तो एटम के लिहाज से न्यूक्लियस का साइज फिर छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? शाबाश, खुद ही बताएं जरा आप, छोटा हुआ। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज क्या है? स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम, एज कंपेयर टू एटम स्मॉल। ओके ओके, अब अगली जो बातें की गई वो बातें की गई लोकेशन के बारे में कि कौन सी चीज कहां पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं मौजूद है। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां हुए? इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड। किसके आउटसाइड? न्यूक्लियस के। ओके ओके, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? तो यहां पर आपने बताना है, यहां पर आपने बताना है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है और इन दोनों को आप कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके, और एटम पर कौन सा चार्ज होता है? एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? वजह सिंपल, वेरी सिंपल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट से रिजल्ट जो इसने निकाले। डियर स्टूडेंट इसका मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब ये बाहर आए हैं, फर्स्ट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी ने पूछा सर आपका मॉडल कैसा है? इसने कहा मेरा मॉडल सोलर सिस्टम जैसा है। बस पकड़ा गया, पकड़ा गया। यहीं पर इसके मॉडल का डिक्लाइन शुरू हो गया, यहीं पर उसके अंदर डिफेक्ट्स। साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है अगर आपका ये मॉडल सोलर सिस्टम जैसा है तो सोलर सिस्टम तो एक दिन तबाह हो जाएगा। ये सारे प्लैनेट्स ये जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, मुसलसल घूम रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एक दिन आएगा ये टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो पहला सवाल उठाया गया स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम इज नॉट स्टेबल, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को खर्च कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात बेटा स्पेक्ट्रम पे आई, स्पेक्ट्रम क्या होता है? आम तौर पे आपने प्रिज्म का नाम सुना होगा, प्रिज्म में से लाइट गुजारी जाती है
तो वो सात रंगों में तकसीम हो जाती है, या आपने धनक रेनबो देखी हो तो वो सेवन कलर्स ये इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटर पार्ट वन में स्पेक्ट्रम का टॉपिक आप डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। फर्ज कर लें दो रंगों का कोई ग्राफ या स्पेक्ट्रम है, एक कलर ब्लैक है और एक कलर ब्लू है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब दो कलर दो चीजें आपस में कोई खास बाउंड्री ना रखती हो, आप ये नहीं कह सकते यहां से यहां तक ये वाला रंग है, यहां से यहां तक ये वाला रंग है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि रेड कलर कहां तक है, तो आप बता सकते हैं दिस इज द रेड कलर, ऑलमोस्ट रेड। और अगर मैं पूछूं ब्लैक कहां है, तो आप कह सकते हैं ये ब्लैक है। रेड और ब्लैक आपस में मिक्स नहीं हो रहे, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक, क्योंकि एटम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम लाइन। ये दो डिफेक्ट है, एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा स्पेक्ट्रम। ये रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि सर स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसने तारीखी जवाब दिया, उसने कहा मैनू नहीं पता, ठीक है जी। इसके बाद फिर जरूरत पड़ी नए मॉडल की, ये सारे क्वेश्चंस थे, और वो फिर क्वेश्चंस के काफ़ी आंसर जो थे वो बोहर मॉडल ने दिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे बोहर मॉडल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।